आज हम बनाएंगे निहारी। अच्छा, चिकन तकरीबन मैंने ली है आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है, यानी तीन पाव भी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है आधा किलो से। और अदरक लहसुन पीस के रख लिया है मैंने, और ये शान मसाला निकाल लिया है मैंने। अच्छा, इसे हम डालेंगे थोड़ी सी, मैं इसमें पिसी मिर्ची अपने अलग से मिलाती हूँ, ये हाफ टी स्पून के करीब डालिए। थोड़ा सा पानी मिला के मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि चिकन इसमें चिपके नहीं। थोड़ा सा बिस्मिल्लाह रखा दे रही, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन, और ये तो वैसे भी झटपट तैयार हो जाएगी। इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की और चिकन की स्मेल निकल जाए। और अच्छा, अभी हम मसाला डाल देंगे साथ में इसके, इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे हम। तकरीबन इसकी मैंने भुनाई कर दी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि आराम से चिकन गल जाए ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे एक दफ़ा, और आँच अब हमने इसको स्लो कर दी है, थोड़ी दरमियानी कर दी है ताकि पकता रहे कम से कम 10-15 मिनट, इतनी हो कि अच्छी सही से चिकन गल जाए। 15-20 मिनट लगेंगे इसको गलने में, फिर हम इसमें आगे वो डालेंगे आटा वगैरह। अब देखते हैं चिकन गली नहीं गली। चिकन गल गई है, अब इसे हम डालेंगे आटा। अच्छा, 3 टेबलस्पून भर के लिया है ये। अब इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी, पक रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको हम ये अब हम डालते जाएंगे, इसको चलाते जाएंगे ताकि ये गुजरिया ना बने ऐसे। और इसको इतनी आँच में पकाएंगे कि ये जब तक गाढ़ी नहीं जाएगी, इसको कम से कम 5-10 मिनट तक पकाऊंगी मैं। पकने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट तक के लिए धीमी आँच पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो देखते हैं। 5-10 से 15 मिनट हो गए और ये तकरीबन पक चुकी है। ये देखें, इतनी ठंडी होगी, थोड़ी और गाढ़ी होगी। इसको अब हम करते हैं चूल्हा बंद, घी गर्म हो गया, और हम डाल देंगे इसे प्याज। प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। प्याज हो गई ब्राउन, इससे से हम प्याज निकाल लेंगे। चूल्हा कर देंगे बंद। ऐसे ये जो मसाला है, हम ये मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा मसाला, और ये भी हम रोगन डाल देंगे। थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि थोड़ा पानी था। अब ये हम इसे बघार डाल देंगे, ये हमारे थोड़ा सा ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये अदरक। ये हो गई हमारी चिकन की नहारी तैयार। और इसको ढक देंगे हम ताकि थोड़े फिर 10-15 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।